नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। हिंदू समुदाय के घरों या मंदिरों पर हमला होने की खबरें अक्सर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान या बांग्लादेश से आती रहती हैं, लेकिन अब हमारे एक और पड़ोसी श्रीलंका में बीते कुछ दिनों से मीडिया में एक ही बात को लेकर चर्चा हो रही है। यहाँ पर भी बीते कुछ हफ्तों में हिंदू मंदिरों पर हमलों में तेजी आई है, जो वाकई में चिंताजनक है। इसकी वजह से यहां पर बसा तमिल समुदाय खासा नाराज है। उनका मानना है कि सिंघलीकरण को लेकर जो भी देश के उत्तर में हो रहा है, उसकी वजह से इस ट्रेंड को बढ़ावा मिला है। मीडिया में बीते कई दिनों से मंदिरों पर हमले के अलावा मूर्तियों में तोड़फोड़ की गई। कुछ मंदिरों में या तो मूर्तियां गायब हो गई हैं या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। इन घटनाओं से यहां बसे तमिल लोग काफी दुखी हैं। अंग्रेजी के अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के जाफना में कुछ तमिलों ने एक सार्वजनिक स्थान पर हिंदू देवता की मूर्ति को स्थापित किया है। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में याचिका दायर करके इसे हटाने की मांग की है। कई तमिल राजनीतिक दलों ने बाकी और मुद्दों के साथ साथ मंदिरों पर होने वाले हमलों की वजह से 25 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन की अपील की है। जहां एक तरफ हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तरी प्रांत में नए बौद्ध स्थल और मंदिरों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ये वो प्रांत हैं जहां पर सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी रहती है, जबकि उनके बाद ईसाई और मुसलमान हैं और फिर सबसे अंत में बौद्ध आते हैं। तमिल बहुल उत्तर और पूर्व में श्रीलंका के पुरातत्व विभाग की बढ़ती गतिविधियों के बीच ये घटनाक्रम सामने आया है। अधिकारियों ने ऐतिहासिक स्थलों में चल रही रिसर्च का हवाला देते हुए कुछ मंदिरों में श्रद्धालुओं की एंट्री को बैन कर दिया है। पिछले दिनों जब मीडिया ने एक ऐसे युवक की गिरफ्तारी की सूचना दी जिसने वावुनिया के वेदुक्कु नारीमलाई में एक मंदिर में पूजा करने की कोशिश की, तो इस बात की जानकारी मिली। इस मंदिर में मूर्तियों की तोड़फोड़ के विरोध में पिछले महीने इलाके में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। जाफना के विधायक और तमिल नेशनल पीपुल्स फ्रंट के नेता गजेंद्र कुमार पोन्नम्बलम इन घटनाओं को पूजा के साथ ही साथ तमिलों के अधिकारों पर एक बड़े हमले के तौर पर देखते हैं। उनका मानना है कि युद्ध के खत्म होने के बाद से ही गातार सरकारों ने उत्तर और पूर्व में सिंघलीकरण के अभियान को तेज कर दिया था। ऐसा लगता है कि युद्ध की वजह से 30 साल का जो अंतर आया है, वो उसे अब किसी भी हाल में खत्म करना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में कुरुंथुरमलाई मुल्लई इतवु में अय्यर मंदिर में बौद्ध ढांचों में तेजी से इजाफा हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद भी उस जगह पर किसी भी नए धार्मिक प्रतिष्ठान को रोकने के लिए साल 2021 में एक राज्य मंत्री ने आंदोलन का नेतृत्व किया। ये आंदोलन श्रीलंका के और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ था। इसका मकसद उस जगह पर एक बौद्ध प्रतिमा स्थापित करना था। इस जमीन को लेकर इसी तरह के विवादों की सूचना पहले भी मिली है। लोगों की माने तो पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और उनके परिवार ने सिंघलीकरण को और ज्यादा बढ़ाया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे इस पर आंख मूंद कर बैठ जाएं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। श्रीलंका में हिंदू मंदिरों पर तोड़फोड़ की बढ़ती घटनाओं को लेकर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।